और मैं अब उस वक्त तक आपसे जुदा नहीं होगा जब तक मैं अल्लाह के कुरान को सीख और समझ ना लूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के कुर्बत में पढ़ा और अल्लाह ताला ने उसको कुरान का आलिम बना दिया। सिर्फ यानी एक सुना कि कुरान की किताब, तो जब एक सुनने से हदायत का दरवाजा खुल सकता है तो फिर इसके करीब आने से जो है अल्लाह ताला कितनी बरकतें अता फरमाएगा। तो आज के दरस कुरान में बड़ा ही पुरलुत्फ जो है ये आयत मुबारका है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, और अल्लाह के रंग से बढ़कर किसका रंग अच्छा हो सकता है। और फरमाया व नहनु लहु आबिदून, और हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। ये आयत मुबारका उस वक्त नाजिल हुई कि जब ईसाई लोग अपने बालिग होने वाले बच्चे को येलो कलर का, पीले रंग का लिबास पहनाते और उसके बारे में ऐलान करते कि अब ये सही ईसाई हो गया और दायरे ईसाईयत में दाखिल हो गया, यानी उनकी अलामत होती, कल्चर था, रिवाज था कि बालिग होने पे वो पीला लिबास पहनाते और वो पीला लिबास इस बात का ऐलान होता कि अब ये बच्चा बालिग हो गया और अब ये ईसाई मजहब में मुकम्मल दाखिल हो गया, और इस बात को वो अपने लिए दीन का नाम दे देते। तो अल्लाह ताला ने इस मुनासबत पर ये आयत नाजिल फरमाई कि तुम अपने सिलेक्ट किए गए रंग को मजहब का नाम दे रहे हो, अपने कल्चर और अपने रिवाज को जबरदस्ती दीन का हिस्सा बना रहे हो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा पसंदीदा रंग कोई वैल्यू नहीं रखता, असल रंग वो रंग है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का रंग है। और यहाँ पर उस रंग से मुराद तीन मतलब एक कौल है मुफस्सिरीन में। एक कौल ये है कि अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह का दीन इस्लाम है, कि दीन इस्लाम से बढ़कर कोई रंग अच्छा नहीं है, यानी दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं वो किसी भी एतबार से दावा करेंगे ये अच्छा है ये अच्छा है। तो अल्लाह फरमाना चाहता है कि अल्लाह का जो दीन है दीन इस्लाम वो सबसे बढ़कर अच्छा है। और दूसरा इसमें कौन ये है कि सिबगत अल्लाह से मुराद अल्लाह की सिफतें हैं, कि अल्लाह की सिफतों से बढ़कर उसकी शानों से बढ़कर किसी की शान नहीं है। और ये माना जो है अल्लाह की सिफात का होना ये किसी हद तक ज्यादा मुनासिब है हदीस की रोशनी में, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह की सिफतों में रंग दो, यानी जो अल्लाह ताला की सिफात है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सखी है, अल्लाह अता करने वाला है, देने वाला है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह तकसीम करने वाला है, यानी उसकी जितनी सिफात है आका करीम फरमाते हैं कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह की सिफतों में रंगते चले जाओ। और जो जो बंदा मोमिन अल्लाह की सिफतों में अपने आप को रंगता चला जाता है वो अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह का नूर उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है। और जो दूसरी हदीस मुबारका है कि कुंतु लहु समअन व बसरन व बच्चन, कि मैं रब उसकी आंख बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, उसकी जुबान बन जाता हूँ, फिर वो बैठा जमीन पे होता है और खबरें अर्श की दे रहा होता है, बैठा देवी में होता है और खबरें पाक पत्र की दे रहा होता है। ये इस वजह से होता है कि अपने आप को वो अल्लाह की सिफात में रंग चुका होता है। और जो जो बंदा है मोमिन वो अल्लाह की सिफात में अपने आप को रंगता चला जाता है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये जितने भी अखलाकियात है यानी अच्छे अखलाक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो अल्लाह की सिफात है। अल्लाह की सिफात, सच बोलना, झूठ से नफरत करना, बुराई से नफरत करना, धोखा, फराक, बेईमानी, इन चीजों से नफरत करना, अपने आप को एक पुरामन नेक और सादे शख्स बनाकर माशरे का बाकिरदार हिस्सा बनाना, ये सिफाते इलाहिया। और ये सिफाते इलाहिया जब किसी बंदे मोमिन के ईमान का हिस्सा बनती है अल्लाह उसके लिए मार्फत का दरवाजा खोल देता है। और अल्लाह के ऐसे बंदे को कितना अपने करीब करता है, हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, जब आपका विसाल हुआ
तो आपके विसार पर, आपकी पेशानी पर सबस नूर से गायब से ये लिखा गया कि काना हबीबुल्ला व मा तफी हुबिल्ला। आए इसके जनाजे में आने वालों, ये अल्लाह का दोस्त था और अल्लाह की दोस्ती में मर गए। और यही वो हज़रत मिस्री थे कि इनकी नमाज जनाजा में खुद सरकार इस्लाम तशरीफ लाए और 70 औलियाए किराम को हुजूर ने ज़ियारत में बताया कि मैं ज़ुनून मिस्री के जनाजे में आया। ये होता है सिफात इलाही में अपने आप को जब बंदा रंग ले। ये जितने औलियाए किराम है, कोई वली ऐसे नहीं बनता कि जिस तरह हम पता नहीं ये क्या चीज होती है, यही चीज होती है, कोई उनके सींग नहीं लग जाते, इंसान होते हैं। लेकिन वो मतलब है उनका कोई शक्ल हुलिया या वजूद वो चेंज नहीं हो जाता, वजूद इंसानी वजूद होता है और वो इंसानी वजूद अपने अंदर अल्लाह की सिफात के नूर को इस कदर जज़्ब कर चुका होता है कि फिर उनको देखते हैं तो अल्लाह की शान याद आती है, उनको सुनते हैं तो अल्लाह की शान याद आती है। तो जो जो बंदा अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगता चला जाता है वो अल्लाह के करीब होता चला जाता है। और फिर फरमाया कि तुम जो है अल्लाह के खिलाफ हमें दलीलें देते हो हालांकि वो तुम्हारा भी रब है और हमारा भी रब है। हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए और हम तो खलूस के साथ अल्लाह की जो है इबादत करने वाले हैं। ये खलूस जिसको नसीब हो जाए ये भी बहुत बड़ी नेमत है। खलूस का मतलब है कि इंसान जो है किसी भी नेकी के काम को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे। ठीक है, आज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां बहुत हो रही हैं। ठीक है, लेकिन उन नेकियों की बरकतों से हम उस वक्त महरूम हो जाते हैं कि जब उस नेकी में खलूस खत्म हो जाता है। वो जब खलूस हो तो अल्लाह ताला थोड़ी नेकी को भी ज्यादा बना देता है। आपने हदीस मुबारक सुनी होगी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा अगर एक मुट्ठी बराबर जौ अल्लाह की राह में खर्च करें और तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करो तो वो मेरे सहाबा जो एक मुट्ठी पर जौ खर्च करते हैं उनका सवाब ज्यादा है, उनका सवाब ज्यादा। यानी एक जौ, एक मुट्ठी जौ और उसके मुकाबले में ओहद पहाड़ जितना सोना, कोई कंपैरिजन नहीं बनता आपस में, कोई मुकाबला जोड़ नहीं बनता। लेकिन वो एक मुट्ठी बराबर जौ और पहाड़ पे भारी किस तरह हो गए कि सहाबा के दिल में खलूस बहुत ज्यादा। वो जो भी नेकी करते, जो भी अल्लाह रसूल की बात में इताअत की तरफ आते वो बजरिया और बरास्ता खलूस आते। आज हमारे यहाँ ठीक है ना, बदकिस्मती से कुछ माशरे का कल्चर इस तरह बनता चला जा रहा है कि कहीं पे हमारी जो है वो चबदराटे वो खलूस के आगे रुकावट बन जाती हैं, कहीं पे हमारी शोहरतें वो खलूस के आगे रुकावट बन जाती हैं और कहीं पे हमारी जाती अना हट धर्मी और जिद जो है वो आगे आ जाता है। तो जब भी नेकी करें उस नेकी में खलूस को पहला दर्जा दें। अल्लाह कुरान में कुर्बानी के हवाले से फरमाता है कि अल्लाह की बारगाह में ना तुम्हारी कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना उनकी हड्डियां पहुंचती हैं, ना बाल पहुंचते हैं, लेकिन जो तुम तकवा दिल में रख के कुर्बानी करते हो वो तकवा और खलूस अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। वो जितने खलूस से कोई कुर्बानी देता है अल्लाह उसके मुताबिक उसको सवाब अता फरमाता है। और फरमाया कि इन्ना इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम याकूब उनकी औलाद तुम कहते हो कि वो यहूदी थे या ईसाई थे। अल्लाह फरमा रहा है कि अअंतुम अअलमु अम अल्लाह, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है कि वो कौन थे। तो ये कयामत तक उनको चैलेंज कि वो यहूदी और ईसाई अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने खाते में डालते हैं, ठीक है ना, और ये तारीखी जुर्म करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछ रहा है कि तुम्हें ज्यादा पता है कि जिस रब ने इब्राहिम को पैदा किया, जिस रब ने इस्माइल को पैदा किया, उस रब को ज्यादा पता है कि वो किस मजहब में है। तो इसकी वजाहत इससे पहले हो चुकी है कि वो मिल्लत इब्राहिमी पे थे और अल्लाह का फैसला है कि मिल्लत इब्राहिमी
वो दीन हनीफ है, वही सही रास्ता है। हनीफ कहते हैं सीधे रास्ते, और यही कुनियत भी है हमारे जो इमाम है, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। अबू हनीफा आपका असल नाम नहीं है, आपका असल नाम नौमान बिन साबित, और अबू हनीफा ये आपकी कुनियत है। उसकी दो वजह, एक वजह तो ये है कि शायद आपकी बेटी का नाम हनीफा है, और दूसरी वजह यह है कि जितने बाकी इमाम हैं उन इमामों के मुकाबले में जो दलीलें आपने दी हैं और जो असूल आपने बनाए हैं, वो असूल सबसे बढ़कर या अल्लाह के कुरान की आयत की जो है वो वजाहत पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह के फरमान की वजाहत पेश करते हैं, तो इसलिए उसको दीन हनीफ कहते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को ज्यादा पता है कि कौन क्या है। फरमाया अमन अस्लम मिम्मन कातमा शहादा था इन्नहु मिनल्लाह। अल्लाह फरमाता है उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो गवाही को छुपाता है, गवाही को छुपाता है। आज हमारे माशरे में पहली तो बात यह कि गवाह बनने से हम कतराते हैं, उससे बड़ा जुल्म यह हुआ है कि अगर किसी बात की गवाही का इल्म है भी तो हम जो है उस गवाही को देने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि माशरे का अलमिया यह बन गया है कि आप जहां पर भी हक के लिए सच के लिए खड़े होते हैं माशरा आपको ऐसे दबा देता है कि आप फिर जो है उठ नहीं सकते। तो इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके आप जो है मजलूमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, मोहताजों के लिए, हक के लिए, सच के लिए जब भी कहीं पे गवाही आपकी जरूरत पड़े, देनी पड़े, तो वहां पे गवाही को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि गवाही को छुपाना ये एक जुर्म है, गुनाह है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उससे बड़ा जालिम कौन है जो गवाही को छुपा लेता है। फरमाया वल्लाहु बिगाफिलिन मा तअमलून। अगर यहां पर तुम गवाही को छुपा लेते हो तो अल्लाह तो तुमसे नावाकिफ नहीं है। फरमाया तिल्का उम्मतुन, ये वो उम्मत है, कद खलत, जो गुजर चुकी, लाहा का सतर, उनके लिए वो है जो उन्होंने किया, वालकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम करोगे। यानी हर बंदे का नेकी का अमल, बुराई का अमल, वो उस तक है, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। पिछली कौमों ने जो अच्छा किया उनको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा किया उसकी सजा मिलेगी। और अल्लाह ने फरमाया वला तुसालूना अम्मा कानू यामलून, और ऐ हबीब आपसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। आपका काम था लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आपने लोगों के कानों के दरवाजों पे दस्तक दे दी, आपने हिदायत का अलग बदल कर दिया, सच और हक का झंडा लहरा दिया। अब ये सुनने वालों के नसीब की बात है कि कौन सुन करके उसको कबूल करता है और कौन सुनकर उससे इनकार करता है। तो ये हजूर के दौर से ही ये मामला चला आ रहा है कि जिनके हिस्से में अल्लाह ने हिदायत रखी थी अल्लाह ने उनको हिदायत अता फरमा दी, और जिनके नसीब में हिदायत नहीं थी उन्होंने हजूर को देख कर भी, मौजज़े देख कर भी, कमालात देख कर भी जो है वो रसूलुल्लाह की गुलामी में ना आए। तो आज इस दौर में हमारे लिए नसीहत का, हिदायत का जो सबसे बड़ा मरकज है वो ये अल्लाह का कुरान है। हम सब अगर चाहते हैं कि हमारी बाकी जिंदगी वो हिदायत के रास्ते पे गुजरे, सच के रास्ते पे गुजरे, अपनी जिंदगी को, अपने आप को अल्लाह के कुरान के करीब करें। यकीनन मैं पहले भी कई मरतबा ये कह चुका हूँ, ये वो किताब है, अगर काफिर इसको पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह इस किताब का पढ़ना उसके मोमिन होने का जरिया बना देता है, और अगर इस किताब को मोमिन पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह उसके ईमान को बढ़ा देता है, और अगर इसको कोई आलिम आशिक पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह उसके लिए मारफत के दरवाजे खोल देता है। जालंधर के एक बुजुर्ग थे और उनकी दोस्ती थी, जालंधर के कुरम सिंह एक सिख थे, वो ये अपनी किताब में लिखते हैं कि वो इत्तफाक से मेरे घर में आए और उन्होंने नमाज पढ़नी थी तो मुझे कहा कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाऊँ, तो मैंने उसको कहा कि मस्जिद दूर है आप मेरे घर में नमाज पढ़ ले। वो मुसलमान बड़ा हैरान हुआ कि सिखों का घराना है और यहाँ पे मैं कैसे वजू करूँगा, कैसे नमाज पढ़ूंगा, और ये बड़ी मुसत दिखा रहा है कि घर में मुझे कह रहा है। वो कहते हैं हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे बड़े मुसलमान दोस्त हैं, आते हैं नमाज पढ़ते हैं।
खैर वो कहते मैं वहां पे नमाज पढ़ना शुरू हो गया। जब मैंने नमाज पढ़ी तो उसकी बीवी जो है वो तीन रेशम के लिफाफों में लिपटे हुए कुरान पाक को लेके मेरे पास आई। मैं हैरान हुआ कि तुम्हारे घर में ये कुरान? वो कहती है हाँ हाँ, इस कुरान की वजह से तो हम जिंदा रह रहे हैं। वो सिख नहीं कहती, सिख घराना कहती। वो कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पूछा ये कैसे? कहा कि हमने एक मुसलमान को घर दिया हुआ था, वो यहाँ से चले गए, मकान को सीधा हो गया, पुराना हो गया। मैं उस मकान का चक्कर लगाने गई, मैंने वहां पे देखा कि ये किताब इसी तरह गिलाफों में लिपटी हुई पड़ी थी। मैं उसको उठा के अपने घर में लाई तो वो सिख औरत कहती है कि मुझे इस तुम्हारी किताब की कसम है कि जब से ये किताब हमारे घर में आई है, अल्लाह ने हमारे घर को बरकत वाला घर बना दिया। वो कहती है हमारे जानवर दूध नहीं देते थे, जिस दिन से ये किताब हमारे घर में पड़ी है हमारे जानवर दूध देना शुरू हो गए हैं। हमारे घर में बीमारियां बहुत थी, जब से ये किताब यहाँ पे आई है हमारे घर से बीमारियां खत्म हो गई है। हमारे अंदर रिस्क की तंगी थी, जब से ये किताब इस घर में पड़ी है अल्लाह ने रिस्क की तंगी खत्म कर दी है। तो जब गैर मुस्लिम और काफिर जो है वो इसकी सच्चाई और बरकत का इकरार करते हैं तो हम मुसलमान इससे क्यों दूर रहे? वो पहले भी मैंने आपको मार के विद्यालय का कॉल सुनाया था। वो कहता है कि आई रीड मेनी बुक्स इन द वर्ल्ड, मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, आई फाउंड मेनी एरर इन ऑल बुक, बड़ी बड़ी गलतियां मैंने उन किताबों में देखी है। कहते बट व्हेन आई रीड द होली कुरान, और जब से मैंने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया है, आई हैव नॉट एनी सिंगल एरर इन द बुक, इस किताब में मुझे किसी जगह एक गलती भी नजर नहीं आई। तो जब गैर मुस्लिम जो है वो इसकी सच्चाई का इकरार करते एक नहीं बीसियों, ठीक है, तो फिर हम मुसलमान होकर इस किताब से अगर दूर रहेंगे तो यकीनन हमारे लिए ये शून्य किस्मत होगी। अल्लामा ने कहा था ना कि वो मुअज्जज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खाल हुए तारे के कुरान होकर। आज भी कुरान की बरकतें उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमें दावत दे रही है। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सबको इस लायक किताब के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। भाई मोहम्मद सलीम साहब।